झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। 25 लाख के स्वास्थ्य का कवर देना मुस्लिम लीग है, युवाओं 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी देना मुस्लिम लीग है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पद पे बड़े बड़े लोग रहे, वही रहता है और मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहा है। क्यों आप बार बार टिप्पणी लेते हैं? प्रधानमंत्री जी ने करेला, मैं समझता हूँ, बहुत खाते होंगे, हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, तो हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति करेले के गुण भी जानता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग 25 लाख के स्वास्थ्य का कवर देना मुस्लिम लीग है, युवाओं 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी देना मुस्लिम लीग है। मतलब प्रधानमंत्री जी बिना मुस्लिम लीग वगैरह बोले आपका काम नहीं चलता है ना। सुबह शाम उठते बैठते यही महिला सुरक्षा को लेकर, महिला उद्यमों को लेकर के। अभी आपने हमारा नहीं देखा, तेजस्वी जी नौकरी के इर्द गिर्द आपको घेर के रख देंगे, क्योंकि बिहार में मतलब हो गया है तेजस्वी मतलब नौकरी, लेकिन यहां भी आएंगे तो वही ढपली वही राग। देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पद पे बड़े बड़े लोग रहे, आपका भी मूल्यांकन होगा। आज तो आप कोर्निस करने वालों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। जिस दिन न्यूट्रल मूल्यांकन होगा ना, जब आप नहीं होंगे प्रधानमंत्री जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका मूल्यांकन किस प्रकार हो रहा है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे?